नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 और 2 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि दिसंबर माह के पहले 2 दिन आप सभी के लिए कैसे व्यतीत होंगे, यश में घरों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 2 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन 2 दिनों को और भी ज़्यादा भाग्यशाली बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पोस्ट लाइट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 1 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन चित्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो सौभाग्य नाम का शुभ योग और शोभन नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं और पहले दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे योग से पहले दिन की शुरुआत हो रही है। राहुकाल के समय इस दिन बस आप सावधान रहें और इस दिन यह समय रहेगा दोपहर के 12:15 से लेकर दोपहर के 1:35 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों 2 दिसंबर की बात करें तो इस दिन गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी और दोस्तों इन दिन स्वाति नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। ये दिन दोस्तों अतिगढ़ नाम का भी शुभ योग रहेंगे और यह योग भी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, परंतु राहु कल के समय आप सावधान रहें और इस दिन यह समय रहेगा दोपहर के 1:36 से लेकर दोपहर के 2:56 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 2 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में माता पिता के साथ मधुर संबंध होने की संभावना है। माता पिता के सहयोग से किसी कार्य को आप यह समय जो है सफल कर सकते हैं, यानी उस कार्य में आप कामयाब हो सकते हैं। संतान पक्षों को लेकर ये जो समय होंगे आपके लिए, ये जो स्थिति होंगी अच्छी स्थिति रहेगी। संतान से सहयोग प्राप्त होने के साथ साथ जो है संतान के करियर इत्यादि से संतुष्टि इसमें हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी यानी नेगेटिव की अगर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपकी पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा और आपके साहस तथा पराक्रम में इसमें जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अनेक कठिन कार्य को आप जो है आसानी से इन दिनों में कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जो समय है इन दिनों में प्रत्येक काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा, यानी दोस्तों आपको इन दिनों में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप उन उपलब्धियों को जो है प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आप दोस्तों यश में आशा कर रहे हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी कामों को अंजाम तक जो है आप पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, कुछ मामलों में जो है आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत जो है ऐसे में ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। दोस्तों, जीवन की दौड़ में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भी भूल जाता है। ये जो समय होंगे उस लक्ष्य को जो है जगाने का प्रयास करें और उसकी ओर जो है आप अग्रसर हो जाएं। यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो दोस्तों वह जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने आप पर जो है भरोसा रखें। इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, अपने विचारों को जो है आप व्यक्त करें। यदि नया व्यापार आरंभ करने की आप सोच रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं, उनमें आपको लाभ होगा, धन लाभ के ये जो है यह समय योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में जो है आपके लिए समय होंगे बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के दोस्तों यह समय जो है योग रहेगा। व्यापार धंधे में आर्थिक लाभ की स्थिति रहेगी। सामाजिक कार्यों में भी जो है आप भाग लेंगे जिससे समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी जो है लव लाइफ के लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, तो दोस्तों इन दिनों में जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर तो होंगे, लेकिन दोस्तों साथी में दोनों के बीच विवाद भी देखने को इन दिनों में मिल सकता है। आपको जीवन साथी के द्वारा आर्थिक लाभ मिलेगा, उन्हें किसी प्रकार की जो है बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।
दोस्तों इन दिनों में आप जो है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मन जो है ज़्यादा रहेगा। कुछ दोस्तों से यश में आप दूरी बना सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए इन दिनों में समय होंगे, आपको वायरल इन्फेक्शन जैसी कोई भी समस्या हो सकती है। दोस्तों इन दिनों में आपका जो मन है प्रफुल्लित भी रहेगा। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 1। दोस्तों इन दिनों में अपनी भावनाओं और इच्छाओं को जो है अभिव्यक्त करने के लिए ये जो समय होंगे बहुत ही अच्छा समय होंगे। अन्य व्यक्तियों के प्रति स्नेह और अभिप्राय खुलेआम व्यक्त करने के लिए आपको जो है गणेश जी कहते हैं। दोस्तों यह समय अपने आनंदी और विनोदी स्वभाव के बारे में भी लोग अवगत होंगे। जो है इन दिनों में किसी विशेष व्यक्ति के साथ आप जो है खेलकूद मनोरंजन या फिर किसी सृजनात्मक प्रवृत्तियों में भाग लेंगे और उसका जो है आनंद लेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में किसी व्यक्ति से प्रेरित तो आप यश में हो सकते हैं। आप अपनी बेसिक स्किल जो है उसे निखारने का यश में प्रयास करें। गणेश जी के अनुसार आप जो है अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे से संभालेंगे। किसी भी चीज़ के जो है नफा नुकसान के बारे में यश में सोचे बिना निष्कर्ष तक पहुँचना सही नहीं होगा। ये जो समय होंगे आपके लिए आप अपने जो है काम को आसानी से संभाल पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे अपने और आपने पीर के बीच जो है अच्छी कमेंट्री जो है आप दोनों को एक दूसरे की जोड़ी जो है सलामत रखेगी। इन दिनों में आप जो है काफ़ी विचारशील इसमें जो है इन दिनों में हो सकते हैं और अपने पीर के साथ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यश में आप पेश आएंगे। साथी दोस्तों आप बदले में बहुत सारे जो है प्यार और स्नेह की उम्मीद अपने साथी से इन दिनों में कर सकते हैं। इस तरह ये जो समय होंगे आपके लिए घर पर एक सामंजस्यपूर्ण समय आप जो है बिता पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपकी आर्थिक स्थिति के लिए तो गणेश जी का मानना है कि ये जो समय होंगे आपको अपने भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अतीत में जो अपने कुछ भी अच्छे काम किए हैं दूसरों के लिए किए हैं वे ये समय जो है आपको प्रतिफल देंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में गणेश जी भविष्यवाणी करते हैं कि आपके काम की सराहना हो जाएगी और आप खुद को जो है अंदर से अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। दोस्तों इन दिनों में आप सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने जेब में रखें। इनसे दोस्तों आपकी जो नौकरी है या फिर बिजनेस है उनमें जो है उन्नति होगी। दोस्तों इन दिनों में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यश में आप सबसे पहले पीपल के एक पत्ते पर देसी घी और लाल सिंदूर को मिलाकर उसमें ओम लिखें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके उपरांत दोस्तों दूसरा उपाय, इस दिन आप पान के पत्ते को वहां रखें जहां आप अपना धन रखते हो। दोस्तों इस उपाय को आपको करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।